उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जहां बीती रात नशे में धुत कुछ कार सवारों ने सड़क किनारे बने रैन बसेरे में कार चढ़ा दी, जिसमें वहां सो रहे मजदूरों की मौत हो गई है और कई मजदूर घायल हो गए। लखनऊ के डालीबाग इलाके में बनी रैन बसेरे में तेज रफ्तार कार ने वहां सो रहे 10 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, वहीं 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 6 घायलों में से 3 को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। कार में सवार गोमती नगर के रहने वाले आयुष रावत और निखिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आयुष पूर्व सपा विधायक अशोक रावत और निखिल एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। पुलिस के मुताबिक दोनों लोग नशे में थे। घटना शनिवार रात करीब 1:25 की है। जानकारी के मुताबिक डालीबाग इलाके में बनाए गए रैन बसेरे में रोज 50 से ज्यादा लोग सोते हैं। शनिवार को यहां करीब 55 से 60 लोग सो रहे थे। आई विटनेस की माने तो रात करीब 1:25 पर गन्ना संस्थान की तरफ से आ रही कार बेकाबू होकर रैन बसेरे में घुस गई। कार रैन बसेरे के दूसरे छोर की तक लोगों को रौंदती चली गई और एक पाइप से टकराकर पलट गई। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, चेकिंग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रेथ एनालाइजर पुलिस के पास ना होने की वजह से शराब पी के गाड़ी चलाने वालों को चिन्हित नहीं किया जा पा रहा है, जिसका एक बड़ा उदाहरण है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन जागता है और किस प्रकार से इतने बड़े हो रहे हादसों पर कार्रवाई करता है। लखनऊ से मैं मुबीन खान, JK 24/7 न्यूज़।